हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजन ऑटो पार्ट्स। आज जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो है स्कॉर्पियो की ब्लोअर मोटर। तो स्कॉर्पियो में ब्लोअर मोटर कौन सी कंपनी की आती है, क्या डिटेल है और वो कैसे ख़राब हो जाती है, क्या उसकी फंक्शनिंग रहती है, कौन सी कंपनी, में सारी आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी देखना तभी आपको पता लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। रंजन ऑटो पार्ट्स के नाम से हमारी शॉप है रोहतक हरियाणा के अंदर। हम कार एसी पार्ट्स के अंदर डील करते हैं। किसको कोई भी कार एसी पार्ट चाहिए हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी का। रंजन ऑटो पार्ट्स रोहतक हरियाणा लिखोगे गूगल पे तो भी हमारी शॉप आ जाएगी। जस्ट डायल पे, इंडिया मार्ट पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे हम वेरीफाइड सेलर हैं, सब पे हमारा वेरीफाइड अकाउंट है। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्कॉर्पियो की ब्लोअर मोटर होती कौन सी है। दूसरा, किसी को भी कार एसी पार्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो एक बार आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है माले बैर। बैर कंपनी की जेन्युइन ब्लोअर मोटर आती है स्कॉर्पियो कंपनी की। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है एक नंबर। तो मैं आपको बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ कि जेन्युइन ब्लोअर मोटर होती कैसी है स्कॉर्पियो की। गाइज, बॉक्स खोलने के बाद आपको ब्लोअर मोटर कुछ इस तरह से दिखेगी। मैंने आपको कहा था माले बैर कंपनी की ब्लोअर मोटर है, तो ये देखो बैर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बॉक्स इसका यहीं पड़ा है। तो बैर कंपनी की जेन्युइन आती है ब्लोअर मोटर, तो मैंने आपको दिखाया था, बताया था। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये ख़राब कैसे होती है। ख़राब इसका ये रहता है, इसके अंदर आप ये वायरिंग देख सकते हैं, ये वायरिंग जो अंदर इसके लगी हुई है शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने की वजह से ब्लोअर मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन इसका ये रहता है कि जो आपको हवा लगती है, आप कार के अंदर बैठते हो, आप हवा तेज़ करते हो, धीरे करते हो, एसी की जो ठंडक होती है आप एक पे करते हो, दो, तीन, चार पे सेट करते हो, तो वो जो हवा की एक स्पीड होती है वो स्पीड को एडजस्ट करने का ब्लोअर मोटर का ही काम होता है। तो हवा तेज़ करना या धीरे करना मेन फंक्शन ब्लोअर मोटर का ही रहता है। और जो ब्लोअर मोटर होती है डैशबोर्ड के अंदर फिट होती है 90% कार्स की। जो ब्लोअर मोटर है वो फिट कहाँ होती है, डैशबोर्ड के अंदर। तो जेन्युइन ब्लोअर मोटर जो होती है बैर की यही होती है। आपको ब्लोअर मोटर में एक बार ऊपर नीचे साइड से सारी जगह से दिखा देता हूँ, आप अंदर से देख सकते हैं इसके अंदर जो वायरिंग हो रखी है। तो गाइस, ये है जेन्युइन ब्लोअर मोटर स्कॉर्पियो की। किसी को रिक्वायरमेंट रहती है ब्लोअर मोटर की या कोई भी अदर एसी पार्ट की कार के, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। रंजन ऑटो पार्ट्स रोहतक हरियाणा में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से पार्ट अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और अदर कार एसी पार्ट्स रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा अपने चैनल पर, हीटर से रिलेटेड भी डालता रहूँगा। तो ये है आज स्कॉर्पियो की जेन्युइन ब्लोअर मोटर।